जो पुराने गानों में बड़ा मजा आता था। अभी तो आपका आया ना रुपली बाना, रुपसी बाना है ना। ये देखिए गाइस, यहाँ के सुंदर वातावरण के बीच जैसे ही सूरज की रोशनी सामने पड़ रही है ना, तो वो चमक रहे हैं। तो इसे गढ़ेरी की सब्जी कहा जाता है, इसका स्वाद ना अलग आता है। ये देखो कितनी बढ़िया है, ऐसे शहरों में भी नहीं मिलती। हेलो हाय, दिस इज़ अंकित बिस्ट एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, जैसा कि अभी मैं आया हुआ हूँ रानीखेत में और एकदम फ्रेश नहा धो के ऊपर आए और मॉर्निंग का व्यू है और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ रही है यहाँ की प्रकृति की छटाओं के बीच, तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पहाड़ लग रहे हैं। एक बार मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ के सुंदर वातावरण के बीच जैसे ही सूरज की रोशनी सामने पड़ रही है ना, तो वो चमक रहे हैं। तो हिमालय जिस तरीके से चमक रहे हैं ना, बड़ा ही प्यारा और अद्भुत लग रहा है। आप ये देखेंगे चारों तरफ यहाँ की प्रकृति जो ऐसी लग रही है कि जैसे खिल उठी है। चारों तरफ आप देखेंगे ना, यहाँ की ये रानीखेत की पूरी घाटी है, आप ये देखेंगे बड़ा ही सुंदर ये यहाँ से दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और सुबह के टाइम है इसीलिए सूरज की रोशनी बिल्कुल एकदम वहाँ से पड़ रही है, तो इस वजह से ये बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए भाई, हमारे आ चुका है नहाने धोने के बाद फर्स्ट क्लास से नाश्ता, और इसे कहते हैं पहाड़ी छोई रोटी, यानी कि इसे छऊ भी बोला जाता है। और ये चावल के आटे के बनता है, मतलब मेकिंग इसकी थोड़ा डोसे की तरह होती है लेकिन इसका स्वाद काफ़ी चेंज रहता है। और आप ये देख रही हैं, हरी सब्जी है यहाँ की शुद्ध पहाड़ों की, और उससे बनाई हुई हरी सब्जी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, इसका स्वाद काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसको खाते हैं, उसके बाद यहाँ से ऊपर को चलते हैं। ब्यूटी यार, क्या खूबसूरती है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, देखो वाओ हिमालय। ललिता से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे, मैं भी दिखाता हूँ। ये देखिए ललिता यहाँ पर आ रहे हैं पीछे से, ललित मोहन जोशी जी, इनका गाना बड़ा ही फेमस आपने सुना होगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखो, आ जाओ, ये देखो ललिता हमारे, यहाँ तो बड़ी अच्छा लग रहा है देखा जाए ना, बढ़िया फोटो खींचना भाई। हाँ, आपको होता है जब एक बार उत्तर के पुत्र में भी आए थे आप, तो उस टाइम मैंने उनके थ्रू आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। हाँ, जब आप आए थे ना उत्तर के पुत्र में, तो उसमें अंकित विश्व करके मेरे सवाल पूछा था उन्होंने, आपको शायद याद नहीं होगा। हाँ, तो मैंने ही पूछा था वो। जब मैंने आपसे पूछा था कि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, तो आप जब कॉलेज टाइम में होंगे तो कितने लोगों को आपने इम्प्रेस किया होगा, याद है? आपको ध्यान नहीं रहा होगा उस टाइम पर ना। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने ही बोला था उन्हें पूछने के लिए। हाँ, तो वहाँ पर उस टाइम पर आप आए थे, वो शायद यहाँ ही आए थे वो। हाँ, वो घर में आए हुए थे ना तब जाके। मेरा आपका सबसे बढ़िया जो गाना लगता है ना, वो वाला लगता है, वो दिल दे बैठे परदेसी यार थे, वो बहुत अच्छा लगता है, हद से ज़्यादा। बहुत पुराना लेकिन वो मज़ेदार है ना वो गाने में, उसमें अलग ही मिठास है। वो बहुत पुराना गाना, आज का नहीं, काफ़ी पुराना है। जब मेमोरी उस टाइम पे जब मेमोरी कार्ड हुआ करती थी ना, हम लोग तो क्या करते थे, पहले शुरू वाली जो तेरी भोली अनवारा निकली थी ना, तो उस टाइम में फॉरनर को भी एक फॉरनर आया हुआ था, तो उसे बड़ी बड़ा पसंद आया उसे। हाँ, उसमें तो काफ़ी, तो वो भी लेके गया कैसे उस टाइम में, 2000 कब की हो, मेरी ख्याल से 2001 की बात है। ओ मेरी माया उस टाइम पे, ये तो बहुत चली उस टाइम पे। लेकिन जो पुराने गानों में थे ना, मैं जैसे मंद मुस्कान रे सीला हटो में मेरी किरण वाला, वो जो पुराने गानों में बड़ा मज़ा आता था। अभी तो आपका आया ना रुपली बाना, रुपसी बाना है ना, वो वाला गाना है अभी तो। हाँ, मैं देखता हूँ आपके सारे गाने देखता हूँ मैं। हाँ, नहीं मेरे को जो लगता है ना पुराने गानों में बहुत मज़ा आता है वो। आजकल तो चलते ही नहीं। ये देखो यहाँ की सिंपल लाइफ बिल्कुल, यहाँ पर बनना है खाना पीना, यहाँ पर फौजियों की यहाँ पर सिंपल लाइफ, ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर जीवन बिताना पड़ता है, और ललिता उधर टहल रहे हैं, ये देखो। हाँ हाँ, तो गाइज ये है आर्मी इलाका, यहाँ से सब्जी खरीद रहे हैं। यह पहाड़ी सब्जी है, देखो मूली सलजम की तरह लगती है पूरी तरीके से, लेकिन होती मूली, दूनागिरी मूली से कहा जाता है। रानीखेत का बाजार है यहाँ पर, ये देखिए पूरी सब्जी की दुकान, पहाड़ी सब्जी है सारी ऑर्गेनिक। ये देखो भाई कितना प्यारा बाजार है यहाँ पर। अभी आगे की तरफ निकलते हैं, गाड़ी बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इसे गढ़ेरी की सब्जी कहा जाता है, इसका स्वाद ना अलग आता है। ये देखो कितनी बढ़िया है, ऐसे शहरों में भी नहीं मिलती, देखो कितनी बढ़िया है। ले रख दे,
वो देखो वहाँ पर पड़ रखे ना आंटी जी वहाँ पर बेच रही है, सब पहाड़ी सब्जियाँ हैं, कितने स्वादिष्ट लग रही है। इनको देख के ना कैसा लग रहा है, देखो प्योर प्योर एकदम। ये माल्टा है ना, ये माल्टा है, नींबू देखो दोनों अलग अलग है, दोनों में पहचान देखो, ये माल्टा है ये वाला और इधर वाला नींबू है, दोनों का स्वाद अलग अलग है। ये थोड़ा खट्टा होता है इधर वाला। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वापस गांव की तरफ। आज ललित मोहन जोशी जी से भी मिल लिया तो बहुत अच्छा लगा, और सामने हिमालय में भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ केमू स्टेशन से कैसा लग रहा है। यहाँ से स्टेशन से बहुत प्यारा लग रहा है। अभी बस यहाँ से बस या गाड़ी या मैक्स वगैरह जो भी मिलेगी तो सीधा जाएंगे गाँव की तरफ। पहले मैं भी आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ से, कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना। ये देखिए सामने जो आपको ये दिख रहा होगा ना हिमालय, देखो भाई ये देखो कितनी सुंदर जटाएँ लग रही हैं प्रकृति के बीच में ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे चलते हैं अभी यहाँ से गांव की तरफ, और यहाँ से गाड़ी वाड़ी उठाते हैं। चल भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गांव में, जस्ट मेरा घर आने ही वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ घर पहुँचने की खुशी किस तरीके की होती है। ये अम्मा भी हल्द्वानी की तरफ चली गई, और ये अपना घर, और घर पहुँचने की खुशी, हाय कितना प्यारा लग रहा है। आहा, और यहाँ से देखो भाई एकदम धूप एकदम सामने जा चुकी है। अभी मैं छत से दिखाऊंगा, और घर पे जस्ट पहुँच ही रहे हम लोग। अभी बच्चे लोग साथ में हैं, बच्चे लोग यहाँ पे सामान रखने के लिए आ गए, क्योंकि काफ़ी भारी होता है नीचे से। ये है कुछ ऐसा नज़ारा मेरे घर की छत से। ये देखिए धूप जो है ढलने वाली है, क्योंकि इधर से ढलते हुए सारी चली गई है, शाम हो आई है, तो उस पहाड़ पे अभी धीरे धीरे ऊपर आएगी और धीरे धीरे ढल जाएगी। आप ये देख सकते हैं इधर से पूरा, ये आखिरी घर है हमारा, इसके बाद सारी इधर से खेत वगैरह शुरू जाते हैं, और वहाँ नीचे आप देख रहे हो नदी है। और ये देखिए भाई कुछ इस तरीके का मौसम है, ठंडा ठंडा माहौल है, अभी ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। आय हाय बड़ा मज़ा। गांव आके सबसे पहले जो ड्यूटी यही लगती है कि पानी भरें, तो गांव के कॉमन से नल में हम आए हैं पानी भरने के लिए, और पानी का प्रेशर ना बहुत तेज़ है। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो भैया बहुत तेज़ है, इसको चलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केले के पेड़ आपको दिखाएंगे, और नीचे देखो भैया, और यहाँ से नीचे पूरा गाँव शुरू हो जाता है। अब ये देख रहे हैं नीचे अलग अलग, नीचे तो गाँव ही गाँव है पूरा ऐसे फैले हुए हैं। तो अभी हम पानी भरते हैं, फटाफट चलते हैं, डब्बा भर चुका है हमारा एक, इसे भरते हैं।